मंथ वाइज डेटा हुआ मैंने लिया हुआ है मंथ वन में मैं रक्षित या फिर प्रज्ञा दीज आर दी एम्प्लॉयज जिनकी मंथ वन का सेल्स टारगेट ये था ठीक है या फिर सेल्स जितना हम मेरे लिए लेके आए ये सेकेंड टेबल में मंथ वाइज सेकेंड वैल्यू करेक्ट अब यहाँ पे हमें अगर डुप्लीकेट वैल्यूज शो करनी है दोस्तों तो हम क्या करेंगे मोस्टली यूज़ करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग राइट अगर आपको वेलवर्स आप अवेयर हो तो आप करोगे यूज यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो डुप्लीकेट वैल्यूज है वो करेक्ट कैसे करेंगे हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल से मैंने की क्लिक करा वहां पे एंड देन यहां डुप्लीकेट वैल्यूज दोस्तों अगर आप यहां पे देखोगे तो वैल्यूज जो है कंपेयर हो रही है राइट right? दो टेबल में बट यहाँ पे अगर आप देखोगे सेम टेबल में जो मंथ टू वाला टेबल है इसे मैं जूम कर देता हूँ जूम कर देता हूँ यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे भी सिमिलर एडेड है वो यहां पे भी वैल्यू डुप्लीकेट वैल्यू एड कर रहा है ठीक है तो हमें आ, हम जो देखने वाले जो न्यू रूल देखेंगे राइट दोस्तों वहां पे हमें ये वैल्यू शो नहीं होगी जबकि हम कंपेयर करेंगे दो पर्टिकुलर टेबल को ही ठीक है पर्टिकुलर टेबल दिस वन टेबल वन एंड दिस टेबल टू ठीक है ना कि टेबल इट वो कंपेयर करे वो हमें यहाँ पे शो करना है तो कैसे करेंगे पहले मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ से हटा दू करेक्ट एंड देन यहाँ पे आप क्लिक करेंगे मैं अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों ये टेबल वन पे रूल अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल एंड में जाओगे आप यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन दी विच सेल्स टू बी फॉर्मेटेड एंड देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद कर्सर पे क्लिक करा नॉट इक्वल टू का साइन ठीक है एंड देन विच टेबल दिस टेबल क्लिक करना है हमें और दोस्तों रिमूव sure करना है, ये है अगर आपको वो डायरेक्टली शो करना है तो यहां पे कुछ वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी जैसे कि अगर मैं चेंज कर रहा हूं टू तो आप देख पाओगे यहां पे चेंज हुआ राइट अभी मैंने जो रूल अप्लाई करा था पर्टिकुलर ये सेल के लिए अप्लाई कर रहा है अगर आप चाहिए तो एड ऑन मोर टेबल पे ऐड कर सकते हो दोस्तों जिससे आपको हेल्प होगा आप यूनिक वैल्यूज को शो कर सकते हो ठीक है मैं अगेन मैनेज रूम में जा रहा हूं एंड देन यहाँ पे अप्लाई टू जो ऑप्शन है अगर आप देखोगे बी फाइव तलक ही अप्लाई है ठीक है मुझे अप्लाई करना है वो एंटायर दिस थिंग एंड देन ओके पे क्लिक जैसे मैं क्लिक करूंगा दोस्तों ओके okay पे यहाँ पे आप देखोगे जो यूनिक वैल्यूज है वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट होके आएंगे अगर मैं यहाँ पे फोर फाइव सिक्स अगेन प्रेस कर रहा हूं तो ये निकल जाएगा एंड देन थ्री डबल फोर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा बट इफ आई प्रेस एट हंड्रेड अगेन तो ये यूनिक सा वैल्यू मुझे यहाँ पे शो करेगा ठीक है so, सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी सो प्लीज गिव मी थम्स अप ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल एंड प्लीज शेयर अक्रॉस विद योर फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग